नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय बजट के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप पहली बार जानेंगे या हल्का उनके बारे में आपने सुना होगा। तो शुरू करते हैं उन तथ्यों के बारे में। भारतीय बजट के बारे में ऐसे 7 ऐसे प्रश्न जिन्हें आप शायद जानते हों या कहीं आपने सुना भी होगा, आज उसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय बजट में आगामी जो वित्त वर्ष होता है उसके लिए सरकार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो वित्तीय वर्ष चलता है के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय क्रियाकलापों का विवरण होता रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में अभी तक पेश किए गए अधिकांश बजट घाटे के बजट ही थे। आमतौर पर भारत के केंद्रीय बजट फरवरी के अंत में प्रस्तुत किए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने स्वतंत्र भारत में 10 बार बजट पेश किया था। इस लेख में हम भारतीय बजट के संबंधित 7 अनूठे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। भारत की संसद और यहाँ पर आपको जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं वेल नोन फिगर हैं, वेल नोन पर्सन प्रधानमंत्री मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण, निर्मला सीतारमण। प्रश्न पहला, यदि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो संसद में बजट अंग्रेजी में ही क्यों प्रस्तुत किया जाता है? कई लोगों के मन में गूंजता हो गया प्रश्न, तो आज उस प्रश्न का उत्तर हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि एक संविधान में वर्णित कई आधिकारिक भाषाओं में एक है। भारत के विभिन्न राज्यों में संविधान में वर्णित 22 आधिकारिक जो भाषाएं हैं, असमिया, बंगला, कन्नड़, कश्मीरी, मैथिली, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू आदि के अलावा अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक भारतीय राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा चुनने का अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता है। क्योंकि सांसद अलग अलग राज्यों से चुन करके आते हैं जहाँ की आधिकारिक भाषा अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश सांसद अंग्रेजी भाषा जानते हैं और उन्हें अंग्रेजी भाषा में बात करने में सहूलियत होती है, जिसके कारण बजट अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता है। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सांसदों को उपलब्ध ईयरफोन में अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की सुविधा होती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आम लोगों के बीच यह गलतफहमी है कि बजट हिंदी भाषा में तैयार नहीं किया जाता है। वास्तव में अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा में भी बजट तैयार करने की परंपरा 1955 से 56 के से ही शुरू हो गई थी, 55-56 से, लेकिन उसे अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, किसने इस बजट को पेश किया था? स्वतंत्र भारत का जो पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को आर के षणमुगम शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि पहला रेल बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आप देख सकते हैं भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुगम शेट्टी। ये भारत के वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ पर इस तस्वीर में एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, जबकि सबकी दृष्टि उसी पर होती है, लाल बैग जिसमें भारत सरकार के अशोक चिन्ह बना होता है। अब अगला प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है,
संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री अपने साथ लाल रंग का बैग ही क्यों लाते हैं? ये पीला भी हो सकता था, काला भी हो सकता था, लेकिन लाल रंग का ही बैग क्यों लाते हैं? इससे पहले कि अगर आप वित्त मंत्री देखें, सबके पास लाल रंग का ही बैग रहता है, लेदर का बैग। देखिए उसका उत्तर है, बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा 1860 में ही शुरू हुई, जब विलियम एवर्ड ग्लैंडस्टोन ब्रिटिश राजकोष के चांसलर थे। वे अपने लंबे लंबे बजट भाषण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बजट भाषण लगभग 5 से 6 घंटे तक चलता था। इस तरह के लंबे बजट भाषण के लिए आवश्यक फाइलों और दस्तावेजों को सही ढंग से संसद या हाउस ऑफ कॉमन्स तक ले जाने के लिए उनको एक बॉक्स या बैग की ज़रूरत महसूस हुई। अतः ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी ने उन्हें लाल रंग का चमड़े का बैग दिया, जिसे बजट बॉक्स कहा जा गया। उसके बाद से ही सभी वित्त मंत्रियों द्वारा बजट पेश करते समय लाल रंग बैग लाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज तक चली आ रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, भारत में हमेशा घाटे का ही बजट क्यों पेश किया जाता है? देखिए इसका उत्तर रोचक है, भारत एक कल्याणकारी राज्य भी है। राज्य क्यों शब्द लगाया गया है? क्योंकि संविधान में इसको राज्यों का एक संघ माना गया है। यहाँ सरकार का मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों के कल्याण को करना है, लेकिन भारत सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने और अच्छे बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए प्रचुर मात्रा में पैसा नहीं है। ऐसे हालात में सरकार को घाटे की वित्तीय व्यवस्था या जिसे कह सकते हैं डिफिक्ट फाइनेंसिंग का ही सहारा लेना पड़ता है। अगले किसी अन्य वीडियो में आपको घाटे की अर्थव्यवस्था के बारे में भी समझाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, बजट को केंद्रीय बजट क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, भारत राज्यों का एक संघ है। किसी भी संघ में 2 मुख्य संस्थाएं होती है, संघीय राज्य और केंद्र। भारत मजबूत केंद्र वाला एक राज्यों का संघ है। भारत के संविधान में केंद्र को राज्यों का संघ कहा गया है, इसी कारण से संघ के बजट को केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद में पेश किया जाने वाला बजट पेपर से ही क्यों पढ़ा जाता है? क्या इसे डिजिटल नहीं बनाया जा सकता? इसका उत्तर है, फिलहाल भारत सरकार डिजिटल बजट पेश करने के बारे में नहीं सोच रही है। ऐसा कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि यदि डिजिटल बजट साइबर हैकिंग का शिकार हो गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच जा सकती है। उसको अगर किसी हैकर ने हैक कर दिया तो काफ़ी नुकसान देश का हो सकता है। केंद्रीय बजट को सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही के द्वारा छापा जाता है ताकि स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर एक बात बताने योग्य है कि भारत में उत्तराखंड ने सबसे पहले डिजिटल बजट पेश किया था। उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने डिजिटल बजट पेश किया था। और आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, संतुलित बजट और घाटे का बजट किसे कहा जाता है? जब सरकार द्वारा किए जाने वाला व्यय उसकी आय के बराबर हो तो उसे संतुलित बजट या बैलेंस बजट कहा जाता है, लेकिन जब बजट का व्यय बजट राजस्व से अधिक हो रहता है तो उसे घाटे का बजट कहा जाता है। इसकी उल्ट, यदि सरकार की आय अधिक होती है, व्यय उससे कम होता है, तो इसका मतलब है सरकार का ने कुछ पैसा बचा लिया है, यानी सरप्लस का बजट बताया जाता है। ध्यान रहे कि दुनिया में लगभग हर देश बजट घाटे का ही बनाया जाता है। तो ये थी कुछ रोचक जानकारियाँ। इससे जुड़ी और जानकारियाँ लेकर के मैं नए वीडियो में हाजिर रहूँगा। तब तक आप लोग ऐसी वीडियोज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।